सर हमने होम्योपैथिक इलाज भी लेकर के देख लिया, एवियन ठीक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, आज तक भी उनका एवियन ठीक नहीं हुआ है। तो इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। यदि आप एवियन के पेशेंट हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी डॉक्टर से, चाहे मुझसे ही क्यों ना ले रहे हो, ये वीडियो केवल आपके लिए। आप पूरा डिटेल में वीडियो है तो पूरा जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है होम्योपैथी में, इसका ट्रीटमेंट और किस डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न केवल एवियन बल्कि हर एक बीमारी पर जो आपकी रिस्पॉन्स होता है उस अकॉर्डिंग हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं विद डिटेल विद होम्योपैथिक रेमेडीज। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक यदि आप चलाते हैं, वहां पर अभी तक फॉलो नहीं किया है वहां पर फॉलो कर दीजिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है कभी भी तो आप मुझे लाइव क्लिनिक पर आके पूछ सकते हैं, जो डेली रात को 8:30 बजे होता है। और आपको यदि प्रॉपर और पैड ट्रीटमेंट चाहिए तभी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7880075175। सबसे पहले टॉपिक पर ही मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनके ठीक होने के कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैं दो जो है चीजों में आपको बताऊंगा, दो पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो आपका डॉक्टर आपको दे रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो बहुत क्रूशियल होता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, होम्योपैथिक खुद डॉक्टर, होम्योपैथिक फिजिशियन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये दोनों यदि सही है तो ही आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जाता है और रूट क्योर होता है, जड़ से ठीक होती है हर कोई बीमारी, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर दो जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा मैं आपको डील करके बताता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं। सबसे पहला हमने लिया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए डिजीज के अकॉर्डिंग और पेशेंट के अकॉर्डिंग। यदि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है आपको कस्टमाइज इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहा है, जो होम्योपैथी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है आपके ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल रूट क्योर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंसर तक ठीक हो जाता है दोस्तों, तो एवियन बहुत छोटी बीमारी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये पहला हुआ कि सही ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए और वो सही ट्रीटमेंट में भी होम्योपैथिक दवाई होम्योपैथिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको दी जाना चाहिए। उठे सूठे कोई भी बोल देगा कि आर्निका से ठीक हो जाएगा, रस्टॉक से, रूटा से ठीक हो जाएगा, नहीं होने का एवियन ठीक। और यदि हो जाता है मुझे बताइए किसका पेशेंट ठीक हुआ है, मैं एवियन के पेशेंट देखना बंद कर दूंगा। इतने दावे के साथ मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारी बहुत लंबी प्रैक्टिस हो चुकी है एवियन के ऊपर, ठीक है। और चलिए, ये तो हुआ ट्रीटमेंट का बात, है ना, कि सही ट्रीटमेंट आपको होम्योपैथिक तरीके से दिया जाता है तो बिल्कुल व्यक्ति ठीक हो जाता है। एवियन का तो होता ही होता है, मतलब हड्डियों के कैंसर, बोन कैंसर भी ठीक हो जाते हैं, तो एवियन तो ठीक होगा ही होगा, ये मैं श्योरिटी आपको देता हूं। दूसरी बात होती है होम्योपैथिक फिजिशियन, जो खुद डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट दे रहा है, क्या उसे एवियन के बारे में अच्छा नॉलेज है, क्या उसने वैरायटी ऑफ केसेस देखे हैं, क्या उसने सीवियर केस, मॉडरेट केस और जो माइल्ड केस होते हैं एवियन के वो देखे। ठीक करना एक बहुत अलग बात होती है, पर प्रैक्टिसिंग में, डेली ओपीडी में एवियन के मरीज क्या वो डॉक्टर देख रहा है, मतलब कम से कम 5 मरीज यदि डेली कोई डॉक्टर देखता है एवियन के, तो उससे अच्छा खासा नॉलेज होता है ना। ऐसा नहीं हो कि आप डॉक्टर तो अच्छा है, आपने सुना है कि भाई डॉक्टर काफी अच्छा है, पर उसके पास एवियन के मरीज ही नहीं आते, है ना, उसने वैरायटी ऑफ केसेस एवियन के नहीं देखे, बाकी के देखे, है ना। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखें कि हर डॉक्टर हर बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक डॉक्टर की अपनी एक रुचि होती है, एक अपनी स्पेशलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो ट्रीट करता है। कोई डॉक्टर एलर्जी के केसेस बहुत ज्यादा देखता है, ठीक तो सभी कुछ कर सकता है पर एलर्जी पे उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है। कोई डॉक्टर केवल कैंसर के पेशेंट देखता है, कोई डॉक्टर केवल एवियन के देखता है ना। ऐसे सभी डॉक्टरों की एक अपनी रुचि होती है, उस अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करते हैं और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। अब यहां पर ये नहीं कह रहा हूं मैं कि केवल यदि होम्योपैथिक डॉक्टर एलर्जी के केस देखता है तो एवियन ठीक नहीं कर सकता, है ना, बट यहां पर ये बात आती है रिजल्ट की।
की श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि वो वेराइटी ऑफ केसेस उसने देखे हुए नहीं होते हैं। डेली रूटीन में यदि कोई डॉक्टर एवियन के डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बहुत सारे पेशेंट देख लेता है तो उसे बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाता है एवियन का, बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है मैनेजमेंट का, और बहुत अच्छा नॉलेज होम्योपैथिक दवाइयों का हो जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में 95-99% श्योरिटी होती है कि वो एवियन को ठीक कर दे। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, पहला सही ट्रीटमेंट सही समय पर होम्योपैथिक तरीके से, दूसरा जो होता है डॉक्टर जिसको अच्छा खासा नॉलेज हो एवियन का, वैरायटी ऑफ केसेस उसने देखे हुए हो, तो ये दो चीजें यदि मिल जाती है तो होम्योपैथी बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देती है और एवियन ठीक हो जाता है। मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से होम्योपैथिक दवाई खाई, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, अब वो बोल रहे हो होम्योपैथी से तो ठीक नहीं होता है, आप कैसे कर देते हो, है ना। तो ये यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हर डॉक्टर एवियन ठीक नहीं कर सकता, हर डॉक्टर हर बीमारी ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ एक दायरा होता है जिसमें रह करके डॉक्टर को काम करना होता है और उसी अकॉर्डिंग डॉक्टर फिर अपने आप को ढालता है, स्टडी करता है, डीप में जाता है हर बीमारी के, तभी वो अच्छे रिजल्ट दे पाता है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है और होम्योपैथी से रिजल्ट नहीं मिले हैं तो आपको कोई भी अधिकार नहीं होता है कि आप होम्योपैथी को बदनाम करें या ऐसा बोले कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल है, गलती आपसे हुई है कि आपने गलत ट्रीटमेंट गलत व्यक्ति से लिया तो कैसे ठीक होगा, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। आपके नियरेस्ट कोई अच्छा डॉक्टर देखिए, नियरेस्ट में देखिए, है ना, कि जो अच्छा डॉक्टर हो एवियन के पेशेंट देखता हो, रिजल्ट अच्छा हो उसका, आप उसके पास जाइए, प्रॉपर केस टेकिंग करवाइए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, श्योरिटी है। क्योंकि होम्योपैथी बहुत छोटी पैथी नहीं है, बहुत ब्रॉड पैथी है और बिल्कुल एवियन को ठीक करने का दम रखती है। तो एज सून एज पॉसिबल सही ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, यदि आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना है तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं सारी रिपोर्ट्स, यदि आपको पैड ट्रीटमेंट लेना है तभी व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया लास्ट में तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, लाइव क्लिनिक पर जरूर आइए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।